मैं राजस्थान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। मैंने इससे पहले मैंने मेरे अधिकारियों से भी बात की, इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से दो तीन और चार की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 1889 में शेर दामोदर दास जी ने अजमेर के ब्यापर में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। Thank you.